सीतामढ़ी सदर अस्पताल के एक डॉक्टर का गजब कारनामा सामने आया है। नगर निगम सीतामढ़ी डुमरा वार्ड संख्या 6 निवासी संतोष प्रियदर्शी ने पत्रकारों को बताया कि मेरा हाथ का प्लास्टर सदर अस्पताल सीतामढ़ी में 20 जुलाई और 27 जुलाई को किया गया। 15 सितंबर को प्लास्टर काटा गया। हाथ की कलाई की हड्डी टेढ़ी निकली। उन लोगों ने मेरा हाथ काट दिया। मैं एक अनाथ भूमिहीन मजदूरी करता था, अब मेरा क्या होगा? अब मैं बेरोजगार गरीब अनाथ भूमिहीन असहाय आदमी अपने हाथ में हड्डी का ऑपरेशन कैसे करवाऊं? मैं सक्षम नहीं हूं। निजी क्लिनिक में मेरे हाथ के ऑपरेशन में 60,000 की खर्च बताई है। संतोष ने कहा, मेरी मदद कीजिए। संतोष ने बताया कि वो रेलवे का फॉर्म भरा था जिसका एग्जाम सितंबर में है, मैं हाथ के वजह से वंचित हो जाऊंगा। संतोष ने कहा कि लापरवाह डॉक्टर ने मेरा हाथ काट दिया, मुझे विकलांग बना दिया। युवक ने स्वलिखित आवेदन देकर मनीष कुमार मीना से गुहार लगाई। अब देखना है डीएम साहब क्या कार्रवाई करते हैं, इस कार्रवाई के जद में कौन कौन आते हैं। हालांकि यह पहला मामला नहीं है। सदर अस्पताल सीतामढ़ी का पहले भी यहां डॉक्टरों का गजब गजब कारनामा सामने आया है। युवक ने 28 सितंबर को खुदकुशी का भी जिक्र किया है। अब आप ही बताइए, यहाँ के विधायक सांसद जनप्रतिनिधि की संवेदना कहाँ मर गई? प्रशासन आखिर कहाँ है? और 27 जुलाई को पक्का प्लास्टर किया गया सीतामढ़ी सदर अस्पताल में, और लापरवाही के तौर पर जो प्लास्टर किया गया और मेरा इलाज किया गया सीतामढ़ी सदर अस्पताल में, तो मेरा हाथ का हड्डी टेढ़ा पर ही टेढ़ा प्लास्टर करके और हाथ की हड्डी को और भी ज़्यादा टेढ़ा कर दिया गया। और 45 दिनों बाद जब 13 सितंबर को मैं प्लास्टर कटवाने सदर अस्पताल सीतामढ़ी गया, तो वहाँ के प्लास्टर कर्मियों ने कहा खुद ही बैठ कर बाहर काट लो, और एक ब्लेड दिया गया जिससे मैं अपना प्लास्टर खुद ही काटा। काटने के बाद पाया कि मेरा हाथ टेढ़ा है, हाथ की हड्डी और अधिक टेढ़ी हो गई है, जो कि प्लास्टर करने वाले और ऑर्थो के डॉक्टर सीतामढ़ी सदर अस्पताल में जो कार्यरत है उन लोगों की लापरवाही का नतीजा है। और मेरा 4 दिनों बाद रेलवे का परीक्षा है, मैं अपने हाथों से रेलवे की परीक्षा में से वंचित हो गया। और ये लोग जो भी लापरवाही किए हैं, इन सभी लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए और अतिशीघ्र मेरा हाथ का ऑपरेशन होना चाहिए, क्योंकि बिना ऑपरेशन के अब हाथ की हड्डी सीधी नहीं हो सकती है, जिसमें लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये का खर्च है। निजी डॉक्टरों से हमने किसी सहयोग से मिला तो हमें 50 से 60 हज़ार रुपये के खर्च की बताई गई है। मैं एक बेरोजगार युवक हूँ जो पिछले 2-3 महीनों से इन सभी चीज़ों को झेल रहा हूँ। अब मेरे पास क्षमता नहीं है प्राइवेट में कहीं भी अपने टेढ़े हाथ को सीधा करने का ऑपरेशन कराने के लिए। अतः हम मांग करते हैं कि जिला स्वास्थ्य समिति, राज्य स्वास्थ्य समिति से और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मांग करते हैं कि अतिशीघ्र इन सभी दोषियों पर कार्रवाई की जाए और यथाशीघ्र मेरी मदद की जाए, ताकि मेरा ऑपरेशन हो सके और मैं अपने हाथ को ठीक कर सकूँ।